नमस्कार। मेडिसिन के इस नए टॉपिक में अब हम बात करेंगे क्रॉनिक रीनल फेल्योर के बारे में। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर के कॉजेस क्या क्या हैं, इसे डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है, इसे इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे और इसे ट्रीट कैसे करेंगे। क्रॉनिक रीनल फेल्योर के मेजर कॉजेस की बात करें तो इसमें प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस होने की वजह से ऐसा हो सकता है या फिर सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉजेस डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, लेकिन बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को इमेजिन करिए और ग्लोमेरुलाई के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेस को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में बात बनाने का प्रयास करिए। इसके साथ ही साथ ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियल जो साइट्स होते हैं वहां पर प्रभावित करने वाले जो भी कारण हो सकते हैं वो भी क्रॉनिक रीनल फेल्योर करा सकते हैं। कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो सकता है। तो जो एक्यूट के कॉजेज हमने डिस्कस किए हैं वही कई बार क्रॉनिक में भी हमें पढ़ना होता है। सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस के जो कारण हैं उसमें आप एमाइलोडोसिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, कोलेजन वेस्कुलर डिजीजेस को याद रखिएगा, SLE जैसे मामलों को, और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। लेकिन सारे के सारे जो भी कारण हैं वो कहीं ना कहीं इसकी एनाटॉमी को समझने से आसानी से रिकॉल किए जा सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि किडनी के फेल्योर के जितने भी मामले हैं उसमें एक्यूट रीनल फेल्योर, क्रॉनिक रीनल फेल्योर या क्रॉनिक किडनी डिजीज और एंड स्टेज रीनल डिजीजेस कब कहेंगे। यहां इनके बीच का अंतर तो ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। यह आर से लेकर डेज के भीतर रीनल फंक्शंस में होने वाले चेंजेस होते हैं, जबकि यहां पर 3 मंथ से ज्यादा समय तक यूरिमिया के फीचर्स हों तो फिर हम क्रॉनिक रीनल डिजीज कहते हैं। तो यहां पर लंबे समय पर धीरे धीरे करके रीनल फंक्शंस प्रभावित होंगे। और इस टॉपिक में हमें क्रॉनिक रीनल फेल्योर के बारे में चर्चा करना है। ओवरऑल अगर हम कॉजेस को सोचे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको एटलीस्ट डायबिटीज मिलिटस की वजह से होने वाला डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, SLE, एमाइलोडोसिस जैसे कारणों को एटलीस्ट हमें याद रखना है। क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का ही एक्सटेंशन होगा। यहां ड्यूरेशन बड़ा मायने रखता है। मैंने आपको बताया ना, एक्यूट और क्रॉनिक के बीच का अंतर ड्यूरेशन का है। यह स्लोली प्रोग्रेस करता है और अगर किसी पर्सन में यूरेमिया 3 मंथ से ज्यादा समय तक हो रहा है और BUN बढ़े हुए हैं विद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा यहां से देखना शुरू करते हैं। एडिमा होगा, GFR घटा हुआ होगा क्योंकि किडनी अब फंक्शन नहीं कर पा रही है। इसके कारण GFR प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे करके घटते घटते 90-30 तक चला जाएगा। एनीमिया हो सकता है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है, वह भी रिलीज नहीं हो पाएगा। सीरम पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ होगा क्योंकि पोटेशियम आयन के सिक्रीशन की जिम्मेदारी किडनी की होती है, वह नहीं हो पा रहा है, इसलिए सीरम पोटेशियम आयन बढ़ा हुआ होगा। किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही, इसके कारण फ्लूइड ओवरलोड होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। पर्सन वीकनेस और फटीग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, हेडेक हो सकता है, वो कंसंट्रेट यूरिन रिलीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि किडनी काम नहीं कर रहा है। पॉलीयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया की प्रेजेंस हो सकती है, BUN बढ़ा हुआ होगा और ये सारे क्लिनिकल फीचर्स के साथ एसोसिएटेड होंगे। सीरम क्रिएटिनिन भी बढ़े हुए होंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर BUN बढ़ा हुआ है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो फिर यूरिन का सैंपल लेकर के रूटीन माइक्रोस्कोपी कराने की जरूरत पड़ती है।
यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी कराने पर ब्रॉडकास्ट मिलता है। अब ये ब्रॉडकास्ट क्या है, इसको हमने किडनी फंक्शन टेस्ट में समझाया है, उस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ब्रॉडकास्ट क्या होता है और यह क्रॉनिक रीनल फेल्योर के प्रेजेंस के बारे में आइडिया देता है। अल्ट्रासाउंड पर श्रंकन किडनी, चूंकि किडनी हेल्दी नहीं है इसलिए किडनी का साइज घटा हुआ होगा, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं, उससे हमें एक आइडिया मिला, यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी करने से हमें आइडिया मिला, अल्ट्रासाउंड करने से श्रंकन किडनी मिला और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन सारी चीजों के साथ एसोसिएटेड हैं, तो फिर हम CRF कह सकते हैं। यहां पर इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर और एंड स्टेज रीनल डिजीज एक और लास्ट में कैटेगरी बनेगा। GFR की बेसिस पर हम इस कैटेगरीज को बनाते हैं, मैंने आपको बताया है GFR की बेसिस पर हम इसे कैटेगराइज करते हैं, तो क्या स्टेज होगा उसको यहां पर हम देख सकते हैं। किडनी डैमेज तो हुआ है लेकिन नॉर्मल GFR है, तो इसे कैसे आप डिफाइन कर पाएंगे, 90 ml पर मिनट GFR अगर है पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया के लिए, तो इसे नॉर्मल GFR कहते हैं। यहां बॉडी सरफेस एरिया बड़ा ही मायने रखता है, क्योंकि अगर पर्सन की हाइट कम है तो बॉडी सरफेस एरिया कम होगा, बच्चों के लिए सरफेस एरिया कम होता है तो उसके लिए GFR का क्राइटेरिया भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें यह समझना होगा ये जो वैल्यूज बताई जाती हैं ये इसी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। माइल्ड स्टेज टू में माइल्ड GFR रिड्यूस मींस माइल्ड GFR रिड्यूस हुआ है तो स्टेज टू में रखते हैं, जिसमें 60-90 आप ओवरऑल कह लें, वन नंबर रिड्यूस कर दीजिएगा। फिर मॉडरेट जिसे हम स्टेज थ्री कहते हैं, जिसमें GFR मॉडरेटली घटा हुआ होता है, 30-60 कह लें। स्टेज फोर जिसमें सीवियरली GFR घटा हुआ होगा, ये 15-30 होता है। और एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसमें GFR घट करके 15 से भी कम हो जाता है और ऐसे लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती ही है। एंड स्टेज रीनल डिजीज में पेशेंट बिना डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर रीनल प्लेसमेंट थेरेपी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि GFR 15 से भी कम हो चुका होता है, 15 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया। यूनिट याद रहना चाहिए और ESRD में क्या करना है, 15 ml पर मिनट से भी कम GFR हो जाता है, इसलिए डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया है CRF में क्लिनिकल फीचर फ्लूइड के रिटेंशन का होता है, इसके कारण हाइपरटेंशन होगा, एडिमा होगा। एडिमा सबसे पहले कहां पर, पेरी ऑर्बिटल रीजन में हमें दिखाई देता है, उसके बाद डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा होगा। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया भी हो सकता है, एरिथ्रोपोइटिन का जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो किडनी से ही रिलीज होता है, वो रिलीज नहीं हो पाएगा, इसके कारण एनीमिया की प्रेजेंस होगी। लेकिन याद रखना है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया यहां पर होगा, क्योंकि आयरन की कमी नहीं है, एरिथ्रोपोइटिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, एरिथ्रोपोइटिन की वजह से आयरन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, यहां सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म मिलेगा, क्यों मिलेगा इसका भी कारण आपको पता है कि विटामिन D3 का फॉर्मेशन होने के लिए जो टर्मिनल स्टेप है वो यहीं पर रीनल लेवल पर ही पूरा होता है। पता कैसे कर पाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशंस में पोटेशियम आयन का लेवल बढ़ा हुआ होगा और कैल्शियम आयन का लेवल घटा हुआ होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि फास्फेट जो ही लेवल बढ़ेगा तुरंत वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड कर जाएगा
इसके कारण फ्री कैल्शियम आयन का नंबर घटा हुआ होगा और विटामिन D3 का जो फाइनल लेवल है यानी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल का लेवल डिक्रीज किए हुए होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रीनल लेवल पर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का प्रोडक्शन रिड्यूस हो चुका है, इसके कारण विटामिन D3 का जो टर्मिनल फॉर्म है जिसे हम 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं वह प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इसके कारण ओवरऑल कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा। इसी वजह से जितने भी CRF के पेशेंट्स होते हैं उनमें विटामिन D3 की कमी होती है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो सीरम में कैल्शियम आयन को मेंटेन करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, PTH का लेवल बढ़ा हुआ होगा। PTH का लेवल इसलिए बढ़ता ताकि बोन का लॉस करा करके सीरम में कैल्शियम आयन को मेंटेन किया जाए और इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सारे कारणों को आपको लिंक करना है। विटामिन D3 कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम आयन जो भी हमारे डाइटरी सोर्स में होंगे उनको रीअब्जॉर्ब करना, बोन्स को मजबूत करना, वो इसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर यह नहीं है तो फिर कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो सीरम में कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी। उसको पूरा करने के लिए, सीरम में कैल्शियम आयन की कमी ना रहे, इसके लिए पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होंगे जिसके कारण PTH का लेवल बढ़ेगा, तो बोन से कैल्शियम आयन रिलीज किए जाएंगे जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो रीनल फेल्योर अपने साथ कई सारे कारणों को लेकर के चलता है। इसके अलावा दूसरे फीचर्स में न्यूरोपैथी, मायोपैथी, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क का बढ़ना, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, इस तरीके के फीचर्स यहां पर हो सकते हैं। तो ये अदर फीचर्स में है, मेन फीचर्स में आप ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया और बॉडी में एसाइटिस, इन सारे फीचर्स को देखेंगे। अदर फीचर्स में ये भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो ट्रीटमेंट के लिए हमें लूप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा। यहां जितनी भी चीजें हैं वो ARF का ही एक्सटेंशन है, इसलिए ARF के लेक्चर में बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पर क्या फर्क पड़ेगा, किस डायूरेटिक को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीजों को वहां पर हमने पढ़ा है। तो लूप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि फ्लूइड के रिटेंशन को कम किया जा सके। ACE इनहिबिटर्स देंगे ताकि BP को कंट्रोल किया जा सके और इस दौरान हम सीरम पोटेशियम आयन के लेवल को मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि ACE इनहिबिटर देने पर हाइपरकैलेमिया होने का रिस्क होता है। इसके अलावा हम एनीमिया को ट्रीट करने के लिए एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन देंगे। एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली 2 बार या 3 बार 1 हफ्ते में लगाते रहेंगे। यह सबक्यूटेनियसली लगाया जाता है ताकि एनीमिया को कंट्रोल किया जा सके। यहां पर देखिए रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन के बारे में दिया गया है जानकारी। इसकी कीमत को आप देखें तो बहुत ही महंगा होता है। अगर एनीमिया है CRF में तो फिर हमें सबक्यूटेनियसली इस इंजेक्शन को देना पड़ता है। इसमें 6 सिरिंजेस के पैक की कीमत करीब 5500 रुपीज के अराउंड दिया गया है। यहां गाइडलाइंस भी लिखी गई हैं कि इसे आप सबक्यूटेनियसली या IV रूट से यूज कर सकते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये सबक्यूटेनियसली लगाई जा रही है। तो अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हमने एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन दिया। इसके साथ ही साथ आयरन के सप्लीमेंट्स भी देंगे। क्या बात अब कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म पर करें, तो आयरन का मेटाबॉलिज्म तो हमने मेंटेन कर लिया, कैल्शियम के लिए हम क्या करेंगे? यहां सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो इसके लिए हम कैल्शियम, चूंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है इसलिए हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि विटामिन D3 को सप्लीमेंट्स के रूप में दें। तो प्रयास भी यही रहेगा। यहां कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्सिट्रायल का कॉम्बिनेशन देंगे ताकि
हम कंडीशंस को रिड्यूस कर सकें, इस तरीके की जो कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्याएं हैं उसको कंट्रोल कर सकें। तो हम एक कॉम्बिनेशन देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें हम 1 ग्राम पर डे डोज देंगे, इसके साथ हम कंबाइन करेंगे विटामिन डी को यानी कैल्सिट्रायोल को, इसका डोज होगा 0.25 mg पर डे। यहां पर हम देख सकते हैं एक कंपनी जो कि विटामिन D3 और कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशंस को दे रही है, तो इसमें मकसद होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करने का। एक्यूट रीनल फेल्योर में हम लोगों ने जितनी बातों को रिकॉल किया है, जितनी बातों को पढ़ा है, उसको यहां पर हम रिकॉल करेंगे। वहां पर हमने पढ़ा था हाइपरकैलीमिया हो सकता है, यहां भी होगा, रीनल फेल्योर यहां भी है, वहां भी था। हाइपरकैलीमिया को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम बाइंडिंग रेजिंस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। वहां जितनी भी बातों को हमने डिस्कस किया था उसे यहां पर भी अप्लाई करेंगे, इसलिए उस लेक्चर को जरूर देख लें जिसमें हमने एक्यूट रीनल फेल्योर को बताया है। फास्फेट का लेवल बढ़ा हुआ होगा, हाइपर फास्फेटेमिया होगा, तो उसको कम करने के लिए फास्फेट बाइंडर्स दे सकते हैं। फास्फेट बाइंडर्स के लिए सेवलामर कार्बोनेट टैबलेट्स या फिर लेंथनम टैबलेट्स दिए जा सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक और कंपनी ने सेवलामर के नाम से सेवलामर कार्बोनेट को सेवलेक के नाम से मार्केटिंग कर रहे हैं। वहीं फास्फेट बाइंडर्स के रूप में दूसरी ड्रग है लेंथनम कार्बोनेट, जिसको आप देख सकते हैं, ये एक कंपनी ने लेंटोनेट के नाम से इसे मार्केट किया है। इसके मदद से हम फास्फेट के बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फास्फेट आयंस को बाइंड करेंगे, जिसमें सेवलामर और लेंथनम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इससे मामला कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर डायलिसिस का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। किडनी के डायलिसिस के 2 टाइप्स हैं, एक हीमोडायलिसिस और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस आसान तो होता है, लेकिन इसमें डायलिसिस का जो आउटकम है वो उतना बेहतर नहीं होता जितना हीमोडायलिसिस में मिलता है। हीमोडायलिसिस क्या है? इसमें ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो आर्टिफिशियल किडनी के तरीके से काम करता है। ब्लड को पाने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं जिसके कारण जिसकी मदद से हम एवी फिस्चुला बनाते हैं और 2 निडल्स इंसर्ट करते हैं एसएस पॉइंट से, ताकि हम यहां से ब्लड को पा सकें और उसे डायलाइजर तक पहुंचा सकें। इस इमेज में हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियली एवी फिस्चुला बनाया जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे एवी फिस्चुला के बारे में। यह एक तरीका होता है जिससे डायलिसिस करने में आसानी हो जाती है। आप देखिए यहां पर एवी फिस्चुला बनाया गया है और ब्लड को ड्रेन करते हैं, ब्लड को एवी फिस्चुला से डायलाइजर तक भेजते हैं। यहां डायलाइजर वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की मदद से और उसके बाद फ्रेश ब्लड को रिटर्न करता है। जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसको एवी फिस्चुला को भेज दिया जाता है। यह हीमोडायलिसिस की प्रोसेस है। इसमें ब्लड बाहर क्यों निकलता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में ब्लड को बॉडी से बाहर रिमूव नहीं करना होगा। यहां एक सॉल्यूशन जो कि साल्ट और शुगर का बना हुआ होता है, जिसे डायलिसिस सॉल्यूशन कहते हैं, इसको एब्डोमेन में भेजते हैं और यह डायलिसिस सॉल्यूशन सोक अप द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। क्यों, कैसे, यह ब्लड से कैसे सोक कर लेता है, उसको हम पेरिटोनियल लाइनिंग की इंपॉर्टेंस से समझ सकते हैं। क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में जो पेरिटोनियल लाइनिंग होती है वो एक
नेचुरल फिल्टर की तरीके से काम करती है, इसलिए डायलिसिस का जब सोल्यूशन यहाँ पर भेजा जाता है तो फिर यहाँ बॉडी के लिए जितने भी बेहतर चीज़ें होंगी वो यहाँ पर पहुँच गई हैं, और पेरिटोनियल जो लाइनिंग है वो यहाँ पर एक फिल्टर का काम करेगी, जिसमें यहाँ से जो है हेल्दी सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड के जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और जिसे बाद में चल करके ड्रेन कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर अपनाई जाती है, जिसमें डायलिसिस का सोल्यूशन हम यहाँ भेजते हैं, यहाँ बेहतर चीज़ें पहुँच गई तो होगा क्या, ब्लड से वेस्ट सब्सटेंसेस यहाँ पर पहुँचेंगे और जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो ब्लड में चले जाएंगी। क्यों? क्योंकि पेरिटोनियल वॉल्स इसके लिए काम करेंगी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक फिल्टर का काम करती हैं जो ब्लड से इन सारी चीज़ों को लेंगी, और जो भी डायलिसिस के लिए फ्लूइड का हमने इस्तेमाल किया उसे पेरिटोनियल कैविटी में हमने डाला। इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, डायलिसिस के इन दोनों ही तरीके के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाती है, यहाँ फिल्ट्रेशन उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाती है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस आसानी से की जा सकती है। हेमोडायलिसिस के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल आना ही पड़ता है, यहाँ कई बार पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में पहुँचते हैं और हमें ऑन स्पॉट ब्लड को फिल्टर करने की ज़रूरत है, तो उस समय हम सीधे तौर पर सेंट्रल वेन से कनेक्ट करते हैं। वहाँ पर अभी एवी फिस्चुला की बात नहीं होगी, एवी फिस्चुला एक लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्निक होती है, वरना हम सेंट्रल वेन को ट्रेस करेंगे। सेंट्रल वेन में कौन कौन सी वेन हो सकते हैं? इंटरनल जुगलर वेन, सब क्लेवियन वेन या फिर फीमोरल वेन को चुना जा सकता है। सब क्लेवियन वेन को जनरली प्रेफर नहीं किया जाता है इमरजेंसी में, चूंकि पेशेंट अचानक पहुंचा है और हेमोडायलिसिस जरूरी है, तो फिर हम इंटरनल जुगलर वेन को प्रेफर करते हैं। हालांकि सेंट्रल वेन में कोई भी वेन हो, चाहे वो इंटरनल जुगलर हो चाहे सब क्लेवियन हो, लेकिन सब क्लेवियन में खतरा ये रहता है कि ये लंग्स को यहाँ पर लंग्स को पंक्चर कर सकता है, यहाँ ट्रस करने के दौरान लंग्स के पंक्चर होने का खतरा होता है, इसीलिए हम इंटरनल जुगलर वेन को प्रेफर करते हैं। सेंट्रल वेन में फीमोरल वेन को भी ट्रेस किया जा सकता है। ऐसे फास्ट इमरजेंसी एक्शन के लिए हम तेजी से काम करना चाहते हैं तो इंटरनल जुगलर वेन ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन रूटीन हीमोडायलिसिस करनी है तो एवी फिस्चुला आर्टिफिशियली बना दी जाती है, जिसको मैंने आपको बताया है। ये एक फिस्चुला होती है जो कि रेडियल और सेफेलिक वेन के बीच में बनाई जाती है। इस इमेज में हम रेडियल आर्टरी और सेफेलिक वेन के बीच में बनने वाले फिस्चुला को देख सकते हैं। यहाँ फिस्चुला बनाने से आसानी ये हो जाती है कि डायलिसिस मशीन को भेजे जाने वाले ब्लड और डायलिसिस मशीन से आने वाले ब्लड को आसानी से हम बॉडी में भेज सकते हैं। डायलिसिस लॉन्ग टर्म में तमाम तरीके के साइड इफेक्ट्स के साथ प्रेजेंट करती है। इस एक सिंप्लीफाइड इमेज के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एवी फिस्टुला बनाने के बाद ब्लड को डायलाइजर जो मशीन है उसमें भेजा जा रहा है, और वहाँ से फिल्टर करके ब्लड को वापस ले लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये हॉस्पिटल में किया जाने वाला प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगता है और पेशेंट को थोड़ा पेन भी ज़्यादा होगा। पेरिटोनियल डायलिसिस आसान होती है, लेकिन इफेक्टिवली उसको उसमें फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए पुअर डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट्स में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि डायलिसिस अगर लंबे समय तक किया जाए, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट्स में लंबे समय तक डायलिसिस कराई जाए, तो एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी होने का खतरा होता है, क्योंकि डायलिसिस की मशीन में जो मेम्ब्रेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, जिसके कारण एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जो कि
डायलिसिस डिमेंशिया करा सकती है। इसी तरीके से डायलिसिस में बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन फिल्टर नहीं हो पाता है, तो उसके कारण कार्पल टनल सिंड्रोम होने का खतरा होता है। इसीलिए कहा जाता है ऐसी चीजें जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो, टॉक्सिक इफेक्ट रखती हो, ऐसी चीजों को डाइट में प्रिफर नहीं करना चाहिए उन लोगों के लिए, खास तौर पर जो लोग रीनल फेल्योर के पेशेंट्स हैं। कई बार आपने डायजीन का एंटासिड्स के रूप में इस्तेमाल करते हुए लोगों को खूब देखा होगा। डायजीन का इस्तेमाल किडनी के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डायजीन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ होता है, एंटासिड प्रॉपर्टी के लिए उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया होता है, और एल्युमिनियम बॉडी में एक्युमुलेट होता जाएगा तो कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए एंटासिड्स के टैबलेट्स या फिर सिरप जिसमें एल्युमिनियम मिला हुआ हो, उसको क्रॉनिक रीनल फेल्योर या रीनल फेल्योर के मामलों में नहीं दिया जाना चाहिए। बॉडी में मैंने एक कंडीशन और भी बताया है, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन्स, यह भी बॉडी में एक्युमुलेट होने लगते हैं क्योंकि ये डायलिसिस की मशीन से फिल्टर नहीं होते हैं। इसके कारण एमाइलोडोसिस हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली ये जाकर के डिपॉजिट करते हैं और डिपोजिशन का साइट कार्पल टनल होता है। इसके कारण कार्पल टनल सिंड्रोम होने का कारण ये बनते हैं। बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन का डिपोजिशन डायलिसिस रिलेटेड एमाइलोडोसिस कहलाता है। यह कार्पल टनल में जाकर के डिपॉजिट होते हैं, इसके कारण पेन के सिम्टम्स आते हैं। तो क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट्स में पेन के बहुत सारे कारण होते हैं। बोन पेन हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, मैंने आपको बताया भी था, मायोपैथी भी पॉसिबल है, बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन एमाइलोडोसिस पॉसिबल है जिसके कारण कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, डायलिसिस रिलेटेड आर्थ्रोपैथी हो सकता है, कैल्सीफाइलेक्सिस हो सकता है, रीनल सिस्ट रप्चर कर सकते हैं, रीनल कोलिक हो सकता है, इसके कारण भी पेन पॉसिबल है। तो इतने सारे कारण में से जो बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से है, यह एक तरीके का डायलिसिस की वजह से होने वाला एमाइलोडोसिस है, एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स जिसे एमाइलोडोसिस कहते हैं। कार्पल टनल में इसका होने के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम कराएगा। पेन के और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ा। तो अब तक हम लोगों ने हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पढ़ा है। पेरिटोनियल डायलिसिस मैंने आपको बताया है कि ये आसान सी प्रोसेस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। इसके लिए डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में भेजा जाता है। इसका कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस होता है। बाकी अगर डायलिसिस से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट एकमात्र ऑप्शन बचता है।